परिवार निर्माण के स्वर्णिम सूत्र ऑडियो वन। अपने परिवार के जिन लोगों को नियति ने एक सूत्र में बांधकर हमें सौंपा है, उनमें भी अन्य मनुष्यों की तरह दोष दुर्गुण होने संभव है। दोषों को सुधारने के लिए बहुत ही धैर्य और संयम की आवश्यकता है। प्रेम, सेवा और सहानुभूति से लोगों के मन पर अपनी छाप छोड़ने वाले लोगों के अनुरोध पर कठोर मन वाले लोगों का भी परिवर्तन होते देखा गया है। सहनशीलता, क्षमा और उदारता के आधार पर बुरों को भला बनाया जा सकता है। आतंक, गाली गलौज, मारपीट, दबाव, निंदा, दुराग्रह के आधार पर क्रिया तो रुक सकती है, पर मन नहीं बदल सकता। वह सुधरा कहाँ? भीतर ही भीतर सुलगते रहने वाली चिंगारी तो कभी विस्फोट के रूप में भी प्रकट हो सकती है। जो लोग अपने साथ संबद्ध हैं, उनको साथ लेकर चलने के लिए उदारता और सहनशीलता का भारी महत्व है। शंकर जी को सबसे बड़ा देवता इसीलिए माना गया है कि उनके समाज में भूत, पलीत, सर्प, सिंह सभी के लिए आदरपूर्ण स्थान प्राप्त है। जिनके मस्तक पर ज्ञान की गंगा और प्रेम का चंद्रमा विराजमान होता है, सचमुच वे बड़े उदार होते हैं और अपने साथ खोटे खरे सभी को निभा लेते हैं। कितने ही उदार हृदय व्यक्ति अपनी फूहड़, कर्कशा, कुरूप, रोगिणी, मूर्खा, यहाँ तक कि शील रहित पत्नी को भी बड़े आदरपूर्वक जीवन भर निभाते हैं और अपनी ओर से कर्तव्य पालन में रत्ती भर भी कमी नहीं रहने देते। इसी प्रकार उदार महिलाएं अपने पतियों में अनेक दोष रहते हुए भी उन्हें सहन करती हुई, निभाती हुई जिंदगी पूरी कर लेती हैं। यह बड़प्पन का चिन्ह है। कई बार बुढ़ापे की कठिनाइयों के कारण माता पिता चिड़चिड़े हो जाते हैं और अनुपयुक्त बातें कर समझाने बुझाने में अपना अपमान मानते और खिन्न होते हैं। इन परिस्थितियों में सहनशीलता ही सबसे उपयोगी नीति सिद्ध होती है। उनकी बातों को धैर्य और सहानुभूति के साथ सुना जाए और जितना संभव हो उतना आदेश तुरंत मानकर बाकी बात को पीछे के लिए छोड़ दिया जाए तो तात्कालिक झंझट तुरंत शांत हो सकता है। शरीर में नए खून की तेजी और मस्तिष्क में अनुभव की कमी होने के कारण अक्सर घर के वयस्क लड़के लड़कियाँ कुछ न कुछ ऊट पटांग करते रहते हैं। उनमें जोश तो होता है पर होश नहीं। 25 वर्ष आयु गधा 25 ही कही जाती है। उस अवधि में होशियार बच्चों में भी न्यूनाधिक गधापन बना रहता है। इस उम्र के बच्चों पर काबू रखना भारी चतुरता और दूरदर्शिता का काम है। समझाना, धमकाना, प्यार करना, प्रोत्साहन देना, सहन करना, इन सभी करके नव युवकों का मार्गदर्शन संभव होता है। आतुर, उत्तेजित, असहिष्णु, अधीर, निराश, कटुभाषी, छिद्रान्वेषी प्रकृति के गृहपति अपने इन्हीं दोष दुर्गुणों के कारण सारे परिवार को अव्यवस्थित कर देती हैं। घर के सदस्यों में एक दो ऐसे भी हो जिनका व्यक्तित्व निखरा हुआ न हो तो बाकी लोग उन्हें निभाते हुए घर की व्यवस्था बनाए रह सकते हैं। परस्पर मनोमालिन्य के अवसर मानवीय दुर्बलताओं के कारण प्रायः नित्य ही आते रहते हैं। समझदार लोग उनकी उपेक्षा करते हैं और आत्मीयता, सहिष्णुता एवं उदारता के आधार पर परिवार संस्था को विघटित होने से बचाए रहते हैं। समाज में प्रतिष्ठा केवल उन्हीं परिवारों की सुरक्षित रहती है जिनमें दूरदर्शिता और उदारता की आवश्यक मात्रा मौजूद है। कभी कभी संयोग वश भी किसी परिवार में अच्छे या बुरे व्यक्तियों का बाहुल्य होता है। व्यवस्था रहते हुए भी समझदारी का मंगलमय दौर बना रहता है। कभी कभी प्रयत्न करने पर भी दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ता और कुपात्रता अपना नंगा नाच करती है। ये अपवाद हैं और कभी कभी कहीं कहीं ही देखने को मिलते हैं। आमतौर से जिन परिवारों को सद्भावना की जमीन पर उगाया गया है, स्नेह से सींचा और सहिष्णुता का खाद दिया गया है, वे हरे भरे रहते और फलते फूलते हैं। गरीब परिवारों में स्वर्ग सी एकता एवं शांति देखी गई है और अपार ऐश्वर्य वाले कुटुंब ईर्ष्या द्वेष की अग्नि में जलते रहते हैं। स्वार्थ, संकीर्णता, असहिष्णुता जहां भी रहती है वही नरक उत्पन्न करती है।
पारिवारिक जीवन में इन तत्वों की अभिवृद्धि रहेगी तो वहाँ भी नरक के दृश्य ही उपस्थित रहेंगे। पारिवारिक प्रगति एवं शांति मानव जीवन की एक श्रेष्ठ सफलता मानी गई है। इस विभूति का वरदान उन्हें ही मिलता है जो मानव स्तर का महत्व समझते हैं और इन दिव्य संपदाओं से घर के प्रत्येक सदस्य की मनोभूमि को परिपूर्ण बनाने के लिए तत्परतापूर्वक प्रयत्न करते हैं। परिवार व्यक्तित्व के निर्माण की प्रयोगशाला और पाठशाला है। स्कूलों में बहुत कम पढ़ाई होती है, उतने से काम कितना चलता है। परिवार को प्रशिक्षित समुन्नत बनाने के लिए बड़ों को अपना उदाहरण प्रस्तुत करना पड़ता है और पग पग पर सूझबूझ का परिचय देना, संतुलन बिठाना पड़ता है। यह समझदारी एकाकीपन से संभव नहीं। परिवार एक छोटा राष्ट्र है, जो उसकी व्यवस्था बना लेगा वह बड़े क्षेत्र की बड़ी जिम्मेदारियां कर सकने में भी असफल न रहेगा। रोटी खाने और रात गुजारने का प्रयोजन तो सराय में रहकर भी पूरा किया जा सकता है। गृहस्थ साधना सर्वथा दूसरी बात है। उसे एक प्रकार का योगाभ्यास कहा गया है, जिसमें संयम और सेवा की साधना हृदय की विशालता विकसित कर संजोनी पड़ती है। अस्तु उस क्षेत्र में भी सत परंपराओं का समुचित समावेश होना चाहिए। उसमें जितनी कमी पड़ेगी उतनी ही अव्यवस्था उच्छृंखलता पनपेगी। परिवारों का सौमनस्य आकाश से नहीं उतरता। यहाँ उसे कलाकारों जैसी अपनी दूरदर्शिता और तत्परता का परिचय देते हुए कुम्हार द्वारा बनाए पकाए गए बर्तनों की तरह विनिर्मित करना होता है। उसमें जितनी कमी पड़ेगी उतनी ही विद्रूपता दृष्टिगोचर होती है। प्रायः सुविधा साधनों की विपुलता जुटा देने भर से कोई परिवार सुखी समुन्नत समझा जाता है, पर वास्तविकता ऐसी है नहीं। सुविधाएं अनुकूलताएं जुटा देना एक बात है और उनका सही सदुपयोग कर सकना सर्वथा दूसरी। सत परंपराओं के अभाव में संपदा का दुरुपयोग होता है, उनके सहारे दुर्गुण पनपते हैं। विलासिता अहमन्यता प्रमाद एवं दुर्व्यसनों को अपनी सुसंपन्नता कारण होती है। पुरातन स्वर्णिम युग में परिवारों के बीच स्नेह सौजन्य पलता पनपता था। एक दूसरे को भरपूर सद्भाव और सहकार प्रदान करते थे। दुलार और सुधार में किसी की भी उपेक्षा नहीं होती थी। उस परंपरा की अवमानना होने पर परिस्थितियां भी उलटती जा रही हैं और घर जीते जागते नरक बनते जा रहे हैं। लूट के माल की तरह हर सदस्य उस परिकर में से सुविधाएं तो खसोटना चाहता है, पर यह नहीं बनता कि खाद पानी लगाकर इस वृक्ष को समृद्ध बनाने में योगदान दिया जाए। इसका कारण यहाँ भी वही है जो अन्य क्षेत्रों में पतन पराभव का कारण बना हुआ है। सदाशयता की जहाँ भी उपेक्षा बरती जाएगी वही दुर्गति उत्पन्न होगी। गृहस्थ बसाने बढ़ाने और किसी महत्वपूर्ण प्रयोजन के उपयुक्त बनाने में यदि आदर्शों का समावेश रहे तो ऐसे बुरे दिन देखने को न मिलें जैसे कि हर परिवार पर छाए हुए दिखते हैं। घर बसाने का आरंभ विवाह प्रक्रिया से आरंभ होता है। वर वधु का चयन सौंदर्य और वैभव के आधार पर होता है। जिस वधु कुराल में रूप और दहेज के कारण प्रवेश मिला है वह पहले ही दिन समझ जाती है कि दुनिया में चेहरे का आकर्षण और दौलत ही सब कुछ है, गुणों की कोई कीमत नहीं। ऐसी दशा में यदि उसका मन अधिक रूपवान धनवान की ओर खींचने लगे तो किसी के पतिव्रत को दुहाई देते हुए यह बात अनुचित नहीं रहनी चाहिए। जब आधार ही गलत रहा, आरंभ ही गलत हुआ, तो उससे श्रेष्ठ परिणति की आशा कौन करे। दाम्पत्य जीवन अनन्य सहकार की परिणति है। एक को दूसरे का ध्यान रखना पड़ता है। दोनों को समान रूप में एक दूसरे को स्नेह सम्मान विश्वास और सहकार प्रदान करना है। ताली दोनों हाथों से बजती है। पति उच्छृंखलता बरते और पत्नी को दासी समझे तो दोनों पहियों की समता सहकारिता रहने पर भी गाड़ी आगे बढ़ेगी ही नहीं। संतानोत्पादन इन दिनों इस घोर महंगाई के जमाने में असाधारण उत्तरदायित्व है। उसके लिए आंखें मूंद कर अनावश्यक उत्पादन में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। पत्नी का स्वास्थ्य, परिवार की आर्थिक स्थिति, बच्चों का भविष्य और समूचे समाज पर पड़ने वाले दबाव को ध्यान में रखते हुए प्रजनन में प्रवृत्त होना चाहिए कि उतना भार उठा सकना
संपन्नता और क्षमता में कमी रहने पर भी उठाना उचित है या नहीं। अनावश्यक रूप से बच्चे उत्पन्न कर लेने के उपरांत इतनी अधिक समस्या उत्पन्न होती है कि उनके कारण गृहस्थ का ढांचा ही चरमरा जाता है। स्वास्थ्य, शिक्षा स्वावलंबन, चरित्र, व्यक्तित्व आदि की आवश्यकता जब जुट नहीं पाती तो विग्रह खड़े होना स्वाभाविक है। सद्गुणों के संवर्धन की बात को भी निर्वाह साधन जुटाने जितना ही महत्व मिलना चाहिए। श्रमशीलता, मितव्ययता, सुव्यवस्था, शालीनता और सौ का सच्चा वैभव माना जाए और इन मानवीय गरिमा को अक्षुण्ण रख सकने वाली विभूतियों को हर सदस्य के स्वभाव अभ्यास में सम्मिलित किया जाए। इसके लिए परिवार के वरिष्ठों का प्रमुख उत्तरदायित्व है कि वे संकोच छोड़ें और स्वयं आगे बढ़कर घर के हर सदस्य को साथ लेकर अभ्यास कराएं। एक आंख दुलार की दूसरी सुधार की रखने से ही शालीनता पनपती है। हर किसी को मनमर्जी बरतने देने से या तो अराजकता फैलेगी और वही स्थिति बनेगी जो आज सर्वत्र दृष्टिगोचर होती है। उत्तराधिकार में धन छोड़ मरने की अपने समाज में ऐसी कुप्रथा है जिससे संतान के लिए सोची गई सुविधा के स्थान पर उनके लिए अगणित समस्याएं उत्पन्न होती हैं। परस्पर विग्रह का यह एक बहुत बड़ा कारण है। सदस्य को स्वावलंबी बनाना चाहिए और तथा करने देना चाहिए कि पैतृक संपदा हथियाने या उड़ेलने की दोनों ही प्रवृत्तियां अनैतिक, असामाजिक एवं अंततः हर किसी के लिए हर दृष्टि से हानिकारक हैं। सद्गुणों की सुविकसित व्यक्तित्व की विरासत छोड़ मरना ही दूरदर्शिता की दृष्टि से पर्याप्त होना चाहिए। भाव, कुरीतियों का घटाटोप, दिनचर्या की अस्तव्यस्तता, स्त्रियों को पर्दे में कैद रखना, कमाऊ व्यक्तियों को मनमर्जी का खर्च करने की छूट मिलना जैसी दुष्प्रवृत्तियां संयुक्त परिवार की जड़ें खोखली करते हैं। अनुशासन रह सके और सज्जनोचित आचार संहिता निभ सके तो ही परिवार का स्तर ऊंचा रहेगा। इन तथ्यों को नए सिरे से समझने समझाने की आवश्यकता है। सुसंस्कृत परिवारों का निवास ही स्वर्ग है और दुष्प्रवृत्तियों के प्रचलन से वह नरक बनता है। इस आधार पर हमें ऐसी आचार संहिता बना एक भाव भरी सहकारी समिति की तरह न्यायोचित व्यवस्था का निर्वाह सद सके। आज की स्थिति में वे सत परंपराएं न रहने पर परिवार टूटते जा रहे हैं। उन्हें फिर से धरती को स्वर्ग बनाने के लिए जन जन का दृष्टिकोण एवं अभ्यास बदलने की आवश्यकता अनुभव की जानी चाहिए।